السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, students, today's topic is mode of grouped data. Mode of grouped data. आज हम दूसरी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखते हैं. एक हमने सीखी मीडियन, सॉरी मीन, अब हम सीख रहे हैं मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा. अनग्रुप्ड डेटा में मोड कैसे निकालना है उसकी एग्जांपल मैंने आपको सिखाई. यू कैन फाइंड दैट वन इन द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले वीडियो में, वो आप देख सकते हैं कि अनग्रुप्ड डेटा का मोड हम कैसे फाइंड करते हैं. इट्स वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू सी the most frequently occurring observation. जो भी most frequently occurring observation होगी ungrouped data में, वो आपका mode होगा. But what about mode of grouped data? अब grouped data, जैसा आपको पता है, grouped data में दो types आ सकते हैं, या तो discrete frequency distribution, discrete frequency distribution, या तो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब इन दोनों में देखते हैं हम मोड को कैसे फाइंड करते हैं. लेट अस फर्स्ट सी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगी तो आपका मोड आप कैसे निकालेंगे. नाउ इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहले आपके पास सिंपली ऑब्जर्वेशन होगी. Let us say, इस तरह से लिखेंगे आप. एक तो होगी आपके पास ऑब्जर्वेशन एंड अनदर वन इज फ्रीक्वेंसी. ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी. ऑब्जर्वेशन मान लीजिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस से कितने मैचों में कितने विकेट्स लिए गए. सो लेट अस से ऑब्जर्वेशन हमारी होगी रिगार्डिंग नंबर ऑफ विकेट्स. नंबर ऑफ विकेट्स ऐसे लिखते हैं, एन, या ऐसे लिख लो नंबर ऑफ विकेट्स. एंड फ्रीक्वेंसी मान लीजिए नंबर ऑफ मैच. नंबर ऑफ मैच क्या मतलब, लाइक दिस, ए जीरो विकेट्स, ऐसे कितने मैच थे जिनमें कोई विकेट नहीं लिया गया. मान लो ये एक बॉलर का है, द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर, लेट अस से इन 10 क्रिकेट मैचेस है, एक बॉलर ने 10 क्रिकेट मैच में किस तरह से विकेट्स लिए. कोई विकेट नहीं, ऐसे कितने 10 out of 10 कितने ऐसे मैचेस थे जिसमें उसने कोई विकेट नहीं लिया. ऐसा एक मैच था मान लीजिए. यू हैव, ऐसे कितने मैचेस थे आउट ऑफ 10 जिसमें उसने एक विकेट लिया. लेट अस से दैट इज अ वन मैच. ऐसे कितने मैच आउट ऑफ 10 थे जिसमें उस बॉलर ने 2 विकेट्स लिए. लेट अस से 3 मैच ऐसे रहे 10 मैच में से जिसमें उसने 2 विकेट्स लिए. ओके, देन 3 विकेट्स, ऐसे कितने मैच थे मान लो 2. 4 विकेट्स एक मैच में मान लो उसने लिए. 5 विकेट हॉल मान लो ऐसा भी एक मैच था. 6 विकेट्स ऐसा भी मान लो एक मैच था. देखो इनको अगर आप यहां से ऐड करेंगे, समेशन FI, वो आपको देगा टोटल नंबर ऑफ मैच. आप देखिए ये 10 होगा, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10. What does that mean? Total match, एक बॉलर ने 10 मैच खेले, टोटल मैच. उन 10 मैच में से ऐसे कितने मैच थे जिसमें उसने कोई विकेट नहीं लिया. ऐसा एक मैच था जिसमें उसने एक विकेट लिया, ऐसा भी एक मैच था जिसमें उसने 2 विकेट लिए, ऐसा भी. ऐसे 3 मैच थे उन्हीं 10 मैच में से. So on and so forth. तो ये आपका डेटा है. अब आपको बोला गया है इस डेटा में, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज देर आर नो क्लास इंटरवल्स इन्वॉल्व्ड. यू हैव ओनली ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी. इसी को हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ये हमने सीखा.
तो यहां पे आपको देखना है कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आई, विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन. नाउ टू फाइंड मोड इन अनग्रुप डेटा इज वेरी इजी, इट इज इजी एज वेल इन ग्रुप डेटा अंडर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. जब ऐसा डेटा होगा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे भी आप मोड जो है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. आप इसको देखिए कौन से ऐसे नंबर ऑफ विकेट्स है जो उसने ज्यादा बार मैच में लिए है. यू कैन इजीली वेरीफाई दैट. सी, दो विकेट्स जो है ये इसने सबसे ज्यादा मैच में लिए है. ऐसे तीन मैच गुजरे जिसमें उसने दो विकेट्स लिए है. देखिए इसमें आसानी समझने में कैसे होगी, अगर इसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले डेटा को हम अनग्रुप्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, देख लो, यू वुड राइट इट लाइक दिस. अगर इसी का आप अनग्रुप्ड फॉर्म बनाएंगे, अनग्रुप्ड फॉर्म इसी डेटा का अगर आप बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनाएंगे. देखिए जीरो, एक मैच, 10 मैच इसने खेले, एक में जीरो, एक में वन, फिर टू टू टू, क्योंकि दो विकेट्स उसने तीन मैच में लिए हैं, तीन विकेट्स उसने दो मैच में लिए हैं, चार एक बार, पांच एक बार, छह एक बार. देखिए 10 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 मैच का डेटा है एक बॉलर का. पहले मैच में कोई विकेट नहीं, दूसरे मैच में एक विकेट, तीसरे मैच में दो विकेट. सपोज अभी ऑर्डर ऐसा जरूरी नहीं है होगा, मान लीजिए ऐसे उसने इसमें असेंडिंग ऑर्डर में बनाया है तो कोई इशू नहीं है. अब क्लियरली आप देख सकते हैं व्हाट इज द मोड. मोड मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन, इट इज सर्टनली टू. टू को आप देखिए, इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन. क्या पता चला? पता चला मोड जो इस डेटा का है दैट इज टू. तो क्या देखना है आपको, जब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा तो मोड निकालने के लिए आपको देखनी है फ्रीक्वेंसी के कॉलम को देखना है. फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वही ऑब्जर्वेशन आपका मोड होता है. दैट मींस क्या करना है, मुझे देखना है फ्रीक्वेंसी में से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने देखा थ्री है, और थ्री के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी ऑब्जर्वेशन है, टू. हेंस टू इज द मोड ऑफ दिस डेटा. बिल्कुल ही आसान, ठीक है. तो इस तरह से आप किसी भी डेटा का मोड निकाल सकते हैं व्हेन द डेटा इज ग्रुप्ड बट अंडर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब थोड़ा सा मामला स्टार्ट होता है when you have continuous frequency distribution. Now let us understand mode of grouped data under continuous frequency डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें थोड़ा सा आपको चीजों का ख्याल रखना है. कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त आप क्या करेंगे, लेट अस सी. देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए. मान लीजिए एक सर्वे कंडक्ट किया गया 20 हाउसहोल्ड्स का, 20 घर है जिनका एक सर्वे कंडक्ट किया गया, जिसमें हमने ये देखा कि जो फैमिली साइज क्या है, कितनी फैमिलीज का क्या साइज है, मतलब कितने मेंबर्स है उस पर्टिकुलर फैमिली में. और हमारा डेटा जो है कुछ ऐसे सामने आया, फैमिली साइज एंड नंबर ऑफ फैमिलीज. ये मान लीजिए इस तरह से डेटा एक है. तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, आपके पास सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देके होगी. ऑब्जर्वेशन होगी एक्स आई, और ये ऑब्जर्वेशन इस बार जो है वो, सॉरी, सबसे पहले क्लास इंटरवल्स होंगे क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है.
आपके पास सबसे पहले क्या होंगे, सबसे पहले आपके पास क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे। तो जैसा भी क्वेश्चन होगा आप उसको ऐसे इस टेबल के फॉर्म में बनाएंगे। क्लास इंटरवल सबसे पहले आएंगे, और क्लास इंटरवल्स यहाँ पे जो होगा, मान लीजिए फैमिली साइज की बात हो रही है, फैमिली साइज, फैमिली साइज का मतलब होता है कितने मेंबर्स है फैमिली में। और यहां पे उसके बाद दूसरा जो है वो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, FI, फ्रीक्वेंसी FI, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो मतलब है वो नंबर ऑफ फैमिलीज है, नंबर ऑफ फैमिलीज मतलब कितनी फैमिलीज है जिनमें ये साइज है फैमिली का जो मैं यहां से दिखाने वाला हूं। देखिए मान लो 1 through 3, देन यू हैव 3 to 5, लेट अस से उसके बाद 5 to 7। और यहाँ पे भी वो रूल याद रखना क्लास इंटरवल्स का, क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस होने चाहिए और क्लास साइज जो है वो सेम होना चाहिए, 5 7, देन यू हैव 7 9 एंड देन 9 11। देखिए ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनका साइज 1 to 3 है, मतलब 1 से लेकर 3 मेंबर्स तक वहां है। 3 को लेकिन इंक्लूड इसमें नहीं करना है, 3 को इसमें इंक्लूड करना है, ये हमने सीख लिया। लोअर लिमिट इज ऑलवेज इंक्लूडेड। 1 से 3 मतलब 1 मेंबर या 2 मेंबर, ऐसी कितनी फैमिलीज है, मान लीजिए ऐसी 7 फैमिलीज है, और मान लीजिए ऐसी 8 फैमिलीज है जिनमें 3 से 5 मेंबर्स है, और 2 फैमिलीज ऐसी है जिसमें 5 से 7 मेंबर्स है, 2 फैमिलीज ऐसी है जिसमें 7 से 9 है, और 1 फैमिली मान लीजिए ऐसी है जिसमें 9 से 11 मेंबर है। अब मैंने कहा था पहले कि वी हैव लेट अस से कंडक्टेड अ सर्वे फॉर 20 फैमिलीज, 20 फैमिली का हमने सर्वे किया। अब आप एफ आई वाले कॉलम को ऐड कीजिए, सो यू हैव समेशन एफ आई। अब देखिए वो 20 आएगा, 7 8 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, यहां तक क्वेश्चन गिवन होगा। अब देखिए ग्रुप डेटा है, यस कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यस बिकॉज क्लास इंटरवल्स आर इन्वॉल्व। क्या क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूअस है? यस क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूअस है, आप देख सकते हैं क्लास इंटरवल्स आर कॉन्टिन्यूअस। अच्छा जी क्लास साइज सेम है, यस क्लास साइज सेम है, 3 -1 2, 5 -3 2, 5 -7 2, तो क्लास साइज भी सेम है। अच्छा जी नेक्स्ट क्या देखेंगे? अब बोला गया है आपको फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। अब इस डेटा का आप मोड निकालिए। नाउ मोड निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मॉडल क्लास ढूंढना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉडल क्लास ढूंढना है, सबसे पहला काम आप ये करेंगे। अब सवाल है ये मॉडल क्लास होती क्या चीज है? सबसे पहली चीज जो करेंगे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, मॉडल क्लास को फाइंड करेंगे। अब ये मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास होता है वो क्लास, क्लास इनको कहते हैं, ये हो गया एक क्लास, ये दूसरा क्लास, ये तीसरा क्लास, ये चौथा क्लास, ये पांचवा क्लास, रोज को क्लास कहते हैं, जो क्लास इंटरवल्स होते हैं इसको हम क्लास कहते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मॉडल क्लास। अब इन 5 क्लासेस में से एक क्लास मॉडल क्लास कहलाता है। कौन सा क्लास मॉडल क्लास होता है? जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसको मॉडल क्लास कहते हैं। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, मॉडल क्लास होता है द क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल आसान, द क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसको हम कहते हैं मॉडल क्लास। अब यहां पे अगर आपको मॉडल क्लास देखना है, कौन सा क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, वो हमारा मॉडल क्लास होगा, ये याद रखना। तो मॉडल क्लास होता है द क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब आप यहां पे ढूंढिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहां पे आपको मिलेगी 8, और 8 किस क्लास की है, 3 to 5। तो पता चला
3 to 5 जो है ये होगा आपका मॉडल क्लास, ये है आपका मॉडल क्लास, दिस इज मॉडल क्लास। दिस इज मॉडल क्लास, कौन होता है ये, द क्लास विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की है उसको मॉडल क्लास कहते हैं। सिंपल निकालना है, तो इसके बाद आपने मॉडल क्लास निकाला। मॉडल क्लास निकालने से क्या फायदा आता है, आप अब डायरेक्टली मोड की फॉर्मूला लगाएंगे एंड यू विल गेट द मोड। देखिए किस तरह से मोड की जो फॉर्मूला है, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, मोड बराबर होता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट या एफ जीरो पढ़ सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू। ये लग रही है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बट इट्स वेरी इजी टू ऑपरेट, देन टाइम्स एच F1 minus F0 whole divided by twice F1 minus F0 minus F2 times H, ये है आपकी मोड की फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। और अब इसमें जो जो चीजें हैं उनको देखते हैं। पहली चीज इसमें है L, where L is equal to, सबसे पहले L है, L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। बिल्कुल ही आसान, क्यों, सबसे पहले आपने क्या निकाला, आपने निकाला मॉडल क्लास। मॉडल क्लास जब आपने ढूंढा तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी वो आपका एल होगा, सो इन दिस केस दैट इज 3, वेरी इजी। उसके बाद आता है एच, या उसके बाद एफ वन, सबसे पहले एफ वन, एफ वन क्या होता है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास होगा उसकी फ्रीक्वेंसी। हमारे केस में वो क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की, दैट इज 8, वेरी इजी। उसके बाद आएगा एफ टू या एफ नॉट, पहले लिख लीजिए एफ नॉट, एफ नॉट होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the model class, preceding the model class, preceding the model class मतलब उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से पहले है। मॉडल क्लास से पहले कौन सा क्लास है, ये क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 है, तो ये बन गया F not, वेरी इजी। इसके बाद आएगा F2, F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, C2 है सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, इसके बाद क्या बचा, एच, एच आपको पता है एच होता है क्लास साइज या क्लास हाइट कह दीजिए, क्लास साइज। एफ टू का मतलब वो क्लास जो मॉडल क्लास के बाद आता है, मॉडल क्लास के बाद ये क्लास आता है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये एफ टू होगी। तो देखिए सारी चीजों को यहाँ पे हम
देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास L, L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास जो है ये L जो हमारे केस में आएगा, हमारे केस में हम यहां पे लिखते हैं हियर, हमारे केस में जो L है वो क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 3 है, सो L इज 3। देन यू हैव F1, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 है, तो लिखा 8। उसके बाद F0, F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उसके आगे जो क्लास है ये इसकी फ्रीक्वेंसी, ये दैट इज 7। सो F0 इज 7। देन यू हैव F2, F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद वाला क्लास ये इसकी फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2। तो F2 आ गया 2। उसके बाद रहा H, H होता है क्लास साइज, क्लास विड्थ, मतलब ये जो 3 माइनस 2, 5 माइनस 3 वो एक ही सब में है, सो दैट इज 3 माइनस 1, दैट इज 2। तो ये सारे हमारे नंबर्स आगे जो वैल्यूज हमें पुट करने हैं इन द फॉर्मूला एंड यू विल इजीली गेट द रिजल्ट। इसको डाल दीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए और देखिए आपका मोड क्या आएगा। देयरफॉर मोड जो होगा किसके बराबर होगा, L, ये फॉर्मूला यहां से देखिए, L है 3, देन प्लस F1, F1 है 8, देन माइनस F0, दैट इज 7, डिवाइडेड बाय ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स है ये, ट्वाइस F1, दैट्स 8, माइनस F0, दैट इज 7, माइनस F2, दैट इज 2, इस तरह से, देन टाइम्स H भी हमारा 2 है, इसको सॉल्व करते हैं, वी गेट 3 प्लस 8 माइनस 7 इज 1, डिवाइडेड बाय 8 टू 16, माइनस 9, माइनस नेगेटिव 7 माइनस 2 होता है 9, नेगेटिव 9, सो इट्स माइनस 9 टाइम्स 2, देन फर्दर यू हैव 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9, दैट इज 16 माइनस 9, 7, then times 2, so finally you can do 3 plus 2 by 7, 7 3 is 21, 22, 23, so you have 23 divided by 7, 23 divided by 7, जब आप approximate value निकालेंगे, so you will get almost 3.286, this is approximately equal to 3.286, आप देख सकते हैं, एंड दैट इज योर आंसर। ये होगा आपके डेटा का मोड, इस तरह से निकल के आएगा, वेरी इजी। तो ये हो गया मोड। सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा अंडर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपका डेटा ग्रुप्ड होगा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस होगी, इस तरह से आप मोड निकालेंगे। सो इसी पे बेस्ड है एक्सरसाइज 14.2, गिव इट अ ट्राई, बहुत ही आसान है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, मोड के अनग्रुप्ड वाले, ग्रुप्ड डिस्क्रीट वाले और ग्रुप्ड कंटीन्यूअस वाले। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वेरी इजी फॉर्मूला, वेरी इजी टू रिमेंबर, वेरी इजी टू ऑपरेट। लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट इन द फर्स्ट प्लेस, बट जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, इट इज वेरी इजी, इट इज इंडीड वेरी इजी। सो इंशाल्लाह let's meet next time. Till then, take care. May Allah bless you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.